हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस आसान से और खूबसूरत से डिज़ाइन का वीडियो। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर डाल सकते हो। आप इसको लेडीज़ के कोटी स्वेटर पर डालिए, जेंट्स के लिए बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट तो आप उस पर भी डाल सकते हो। बच्चों के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर डालिए, बहुत ही प्रिटी बनकर लगेगा। इस पैटर्न को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिगिनर्स जो हैं, जिन्होंने अभी अभी बुनाई शुरू की है, उनके लिए ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है और वो भी बहुत आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए, इसका लुक इस तरह से आता है, रॉन्ग साइड से ये ऐसे दिखता है। और ये डिज़ाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो आपको फंदे चाहिए होंगे वो 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए होंगे, यानी कि आपने 6-6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे ले लेने हैं और 3 फंदे आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो चलिए अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 21 फंदे लिए हैं, 6 के मल्टीपल करके 18 और 3 फंदे एक्स्ट्रा, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले आपने इसके लिए बॉर्डर बना लेना है। जैसा बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बॉर्डर पहले आप बना लीजिएगा। और फंदे बढ़ाने हों किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो आपने रॉन्ग साइड से फंदों को बढ़ा लेना है, क्योंकि सीधी साइड से ये हमारा जो डिज़ाइन है शुरू होगा। तो चलिए अभी डिज़ाइन बनाना हम शुरू करते हैं। बॉर्डर के बाद ये हमारी पहली सिलाई बुनी जाएगी जो सीधी साइड से बुनेंगे। इस वाली सिलाई को हमने पूरा सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करना है। सीधी साइड से पहली सिलाई हम इसकी पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए, ऐसे जैसे हम सीधा सीधा बुनते हैं उसी हिसाब से सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी पहली सिलाई बना ली है सीधी साइड से सीधी बुनकर। अभी आ जाइए रॉन्ग साइड, और ये डिज़ाइन की हमारी दूसरी सिलाई है, रॉन्ग साइड रो 2। रॉन्ग साइड से हमने इस वाली सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। इस पैटर्न की जितनी भी सिलाइयाँ आएंगी रॉन्ग साइड से हमने पूरी उल्टी ही बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है रॉन्ग साइड से। अब ये जाइए थर्ड रो, और ये डिज़ाइन की सीधी तरफ से बुनी जाएगी। देखिएगा कैसे हम बनाएंगे। थर्ड रो राइट साइड, पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, ये हमारा एज स्टिच है, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ से हमारा जो पैटर्न है वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट फंदा ये देखिए, पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। सीधा बनाया, धागे को अपनी ओर करेंगे, धागे को अपनी ओर किया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, देखिएगा ऐसे उल्टा बनाया। अब इन 3 फंदों को 1, 2, 3, ठीक है, इन 3 फंदों को ऐसे लेंगे और ऐसे उल्टे में बुनेंगे। उल्टा बनाया, अभी हमने इन फंदों को छोड़ना नहीं है, धागा लपेटेंगे इस तरह से, फिर से हम इन 3 फंदों को ऐसे उल्टा बुनेंगे। हमारे पास 3 फंदों के वापस 3 फंदे ही आ गए, ठीक है, और एक फंदा उल्टा। ये देखिए, ये जो हमने 6 फंदे बनाए हैं ऐसे ही हमने रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, 3 फंदों को 3 का एक किया, फिर धागा लपेटा, फिर से हमने उसको 3 फंदों को उल्टे में बुना और एक फंदा उल्टा, ठीक है। फिर से यहाँ से रिपीट करेंगे, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा,
इन तीन फंदों को, एक दो तीन, इन तीन फंदों को हमने ऐसे लेना है, तीन का एक किया इस तरह से, धागा लपेटेंगे, फिर से इनको तीन का एक करेंगे और एक फंदा उल्टा, ठीक है। फिर से रिपीट होगा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इन तीन फंदों को ऐसे उल्टे में बुनेंगे, ठीक है, धागा लपेटेंगे और तीन फंदों को फिर से ऐसे उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा, एज स्टिच हमारा सीधा आएगा। ये देखिए थर्ड रो इसकी कंप्लीट हो गई। अभी फोर्थ रो, रॉन्ग साइड से हमने ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी ही बनानी है। ये देखिए ऐसे हम बनाएंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। और ये जो फंदे हमने किए हैं तीन, इनको आपने ध्यान से बुनना है। देखिए चार सिलाइयाँ अब इसकी कंप्लीट हो गई हैं और ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आया है। ये देखिए इस तरह से मेरा डिज़ाइन आया है। बस यही जो चार सिलाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं को आपने रिपीट करते हुए जाना है अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो आपका इस तरह से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है बनता हुआ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आता है इसका लुक, बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत प्यारा बनता है। आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का डिज़ाइन अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।